अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए नई वीडियो, जिसमें काफ़ी दोस्त ये बात करते थे कि जो क्लच है वो आवाज़ देता है। जब क्लच हम छोड़ते हैं ना गाड़ी गियर में डाल के चलाते तो अंदर से रोने की आवाज़ आती। तो दोस्तों आज इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो इस आवाज़ को लेके काफ़ी परेशान होते हैं, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए भी चलो ये एक इलम में इजाफा हो जाएगा। जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो चलो उनके इलम में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों हम आज करेंगे उस गरारी को, यानी कि बक्से की आवाज़ जो है, अंदर बक्से की एक छोटी गरारी होती जो चल चल के उसके दांत जब घिस जाते तो वो अंदर आवाज़ पैदा करना शुरू कर देती। तो दोस्तों आज उस पर हम यानी कि करेंगे कि और बग़ैर न्यू डाले मैं आपको वो गरारी का शोर जो ख़त्म करके दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास बाइक आई हुई है जिसमें ये मसला है, मैं भी आपको चेक कराता हूँ कि कौन सी आवाज़ है। दोस्तों अभी आवाज़ पैदा होगी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये आवाज़ हम ख़त्म करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये आवाज़ है जो हम ख़त्म करेंगे। तो मैं अभी आपको ख़त्म करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। हमें उसके लिए ये क्लच जो तापा ये खोलना पड़ेगा, तो मैं अभी खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कौन सी गरारी ख़राब है, इसको हमने क्या करें। दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका क्लच टापा हमने जो साइड टापा है क्लच वाला वो हमने खोल लिया है, और इसमें जो आवाज़ पैदा हो रही थी इस गरारी की है, ये देखें दोस्तों, ये कैमरा मैन आपको दिखा सके। ये देखे दोस्तों ये, और ये इसके नीचे है छोटी गरारी, मैं आगे खोल के आपको दिखाता हूँ। ये गरारी भी जो है ना इसकी आवाज़ कर रही थी, तो इसमें एक और फॉल्ट भी निकल आया जब हमने खोला है, तो ये इसका बक्से का बैरिंग जो है ये भी ख़राब था। ये भी हम न्यू अब डालेंगे, इसकी भी थोड़ी बहुत क्लच पकड़ने में आवाज़ थी जो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ये अभी हम इसकी गरारी की प्ले ख़त्म करेंगे। मैं खोल दोस्तों, जो मैं आपको आवाज़ बता रहा था वो है इस गरारी की। ये देखें दोस्तों, इसमें ये देख रहे हैं आप प्ले यहाँ पे, ये यही चीज़ जब हम क्लच छोड़ते तो रोने की आवाज़ आती। तो मैं चाहूँ तो इसको अभी न्यू भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है ख़र्चा कराने की। हम इसी गरारी को सेट करेंगे इंशाल्लाह, और दूसरे मकैनिकों की तरह नहीं है कि खर्चा कराते जाएंगे, और यही गरारी कार आमद दोबारा लाएंगे और इंशाल्लाह बाइक की आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म करके देंगे। तो यहाँ पे भी आवाज़ है, और ये देखे दोस्तों ये जो बड़ी गरारी है, ये देखे ये आवाज़ चेक करें, ये देखे दोस्तों इसमें भी प्ले है। ये भी प्ले ख़त्म हम करेंगे और ये प्ले भी ख़त्म करेंगे। वैसे तो इन भाइयों ने किसी से इंजन कराया, ये देखे दोस्तों, और वो मैकेनिक था बिल्कुल बेकार, उससे पहले ये गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। बाद का तो साथ से भागे हुए मैकेनिक भी होते हैं। ये देखे दोस्तों, उसने अंदर वाशरें नहीं रखी। ये देखे दोस्तों कितनी प्ले, और अंदर उसने जो गियर की वाशरें वो भी नहीं लगाई। तो ज़्यादा यानी कि कुछ उसकी वजह से भी हो रहा है, लेकिन भाई ने हमें सिर्फ बोला कि हमारी आवाज़ ख़त्म कर दे, तो मैं आवाज़ ख़त्म करके दूंगा इंशाल्लाह आपको। दोस्तों जो हमने गरारी जो है उसको टूल लगवा लिया, ये देखे दोस्तों पहले इस जगह चल रही थी, अब इस जगह चल रही है। तो अब ये देखे इसमें भी प्ले ख़त्म होगी, और ये देखे दोस्तों इधर भी प्ले ख़त्म होगी। ये देखे बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त होगी, और अभी आवाज़ नहीं देगी बिल्कुल। अभी हम फिट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिट करके फिटिंग का काम मुकम्मल करते फिर मैं आपको आवाज़ दिखाता हूँ कि सही हमारी हुई है या नहीं। तो दोस्तों गाड़ी हमने कर ली है फिट, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई है, और आवाज़ भी हमारी ठीक हो गई है। तो मैं आपको अभी चेक कराता हूँ आवाज़। ये देखे दोस्तों, ये जो हमारी पहले आवाज़ थी, पहले भी मैंने आपको चेक कराया था, आप देखे दोस्तों ये देखो बिल्कुल इसमें कोई आवाज़ नहीं, देख रहे दोस्तों, यानी कि बक्से की। ये दोस्तों बिल्कुल बे आवाज़ हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भाई को अभी भी समझ में आए किसी चीज़ की तो मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकता और कमेंट में भी बता सकता। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।